बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और वो लगातार बिहारी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, कभी राशन तो कभी पैसे दे रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव ने मंगलवार को लोगों से बातचीत करने के लिए ओखला रोड पर भीड़ जुटाई थी, जिसके खिलाफ दिल्ली की अमर कॉलोनी में FIR दर्ज हुई है। पूर्व सांसद के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार के मजदूरों की मदद के नाम पर मंगलवार सुबह दिल्ली के ओखला रोड पर सैकड़ों की भीड़ जुटाई, जहां पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। क्वारंटाइन करके हमें परेशान करना चाहती है। ये राजधानी से जाएंगे तो सीधा घर जाएंगे और मजदूर जाएगा तो कई दिन क्वारंटाइन में जाएगा। और मार खाए भारत का मजदूर। दरअसल मंगलवार सुबह पप्पू यादव से बात करने के लिए ओखला रोड पर 200 से 250 लोग जमा हो गए थे। सभी बिहार के रहने वाले थे और सबकी मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव ने सभी को भरोसा दिया था कि वो उनके जाने की व्यवस्था करेंगे, साथ ही बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला था। हमें घर वापस करना होगा, देश के मजदूरों को घर भेजना होगा। अब भरोसा यदि पप्पू यादव पर है तो मैं आपको भरोसा देके जाता हूँ कि किसी भी कीमत पर आपके टिकट की जिम्मेदारी पप्पू यादव की हो। आप लोग घर जाए, हमारे भाई जो कहते हैं उसका पालन। पप्पू यादव ने लोगों की मदद के लिए एक बड़ी भीड़ तो जुटा ली, लेकिन वो कोरोना वायरस के खतरे को भूल गए, जिसने गरीबों की जान संकट में डाल दी है। न्यूज़ डेस्क।